हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स ब्रो। बच्चे, हम लोग का चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी के पहले 4 सेशंस आपको दे चुका हूं। 5वें सेशन में मैंने न्यूमेरिकल से स्टार्ट करे थे, कुछ सर्किट डायग्राम सीरीज पैरेलल के बताए थे आपको, और आगे आज मैं और थोड़े और अलग लेवल के नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो बच्चे तैयार हो जाइए अपनी नोटबुक और पेन लेके, जैसे जैसे मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताता जाऊँगा यहाँ लिखता जाऊँगा, मेरे साथ साथ आपको करते जाना है। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन सामने आएगा पहले आप अटेम्प्ट करिएगा पॉज करके, नहीं समझ में आता है तो फिर उसका आंसर देखिएगा। और हाँ, जितने भी बच्चे ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, मार्क योर अटेंडेंस बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स। चलिए तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, अगर इसके दूसरे लेक्चर्स आपको अटेंड करने हैं न्यूमेरिकल्स के या थ्योरी के, तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स प्रोवाइडेड हैं, वहाँ पे आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स के सेकंड लेक्चर पे स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस 9 ओम। कह रहे हैं आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, कितने ओम के, 6 ओम के 3 रेजिस्टर, 1, 2 और 3। आपको पूछा गया है कि इन तीनों रेजिस्टर्स को कैसे ज्वाइन करें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम हो जाए। तो बेटा एक तो तरीका है डायरेक्ट कि हम इन तीनों को पैरेलल कर दें, एक है डायरेक्ट सीरीज कर दें। अगर सीरीज करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 18 हो जाएगा, जो ऑब्वियसली नहीं है। अगर इन तीनों को पैरेलल करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 का पैरेलल में 6/3 हो जाएगा, यानी 2 ओम, जो हमें नहीं बनाना है। यानी इन तीनों को ना सीरीज करना है ना पैरेलल, इसका मतलब इनमें से कोई दो ऐसे हैं जो दो सीरीज में लगेंगे, एक पैरेलल में या दो पैरेलल में और एक सीरीज में। कहने का मतलब ये कि इसको हम इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे एक हमने ऐसे ले लिया और दूसरा हमने इस तरीके से तीसरा ऐसे ले लिया। एक तरीका तो ये है कि दो सीरीज और एक उसके पैरेलल, या फिर एक तरीका ये है कि इस तरीके से दो पैरेलल में कर दिए पहले और फिर एक सीरीज में। यहाँ पे पहले सीरीज फिर पैरेलल, यहाँ पैरेलल फिर सीरीज। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या आएगा। यही हमारे पास ऑप्शंस हैं दो, जो दो और ऑप्शन थे वो दोनों सीरीज या तीनों पैरेलल वो तो बता दिए, उसके अलावा यही दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो आप देखिए अगर ऐसे करें तो ये 6 और 6 का मिला के कितना हो जाएगा, 12 ओम। तो इसका हो जाएगा 12, ऊपर का है 6 और 12 क्योंकि पैरेलल में है, तो पैरेलल में करने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका, 6 × 12/6+12, यानी 6 × 12/18, 6 ones 3s, ये कट गया, आंसर आ गया 4 ओम। इसका मतलब सेकंड पार्ट आपने सॉल्व कर लिया कि अगर आप 3 रेजिस्टर्स ऐसे लगाएं तो यू विल गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। चलिए इसमें देख लेते हैं कि ये दोनों अगर पहले पैरेलल में लगा दिए तो 6 और 6 का पैरेलल में कितना हो जाएगा, 6/2, जो कितना होता है 2 ओम। तो इनका मिला के चूंकि 2 ओम आ जाएगा, और 2 ओम और 6 ओम, सॉरी गलत कर दिया, 6/2 कहाँ से हो गया भैया, 3 होगा, ठीक है। और ये 3 ओम हो गया, इन दोनों का मिला के एक आ गया 3 ओम, और इसके बाद लगा हुआ है 6 ओम, तो 6 और 3 मिलके कितना हो गया, 9 ओम। तो ये किस पार्ट का आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का। इसका मतलब अगर उसने पूछा कि कैसे कनेक्ट करें, तो फर्स्ट पार्ट में ऐसे कनेक्ट करेंगे, ड्रॉ करके दिखाएंगे, और 4 ओम करने के लिए कैसे कनेक्ट करें, ऐसे ड्रॉ करके और वैल्यूज निकाल के आप दिखा देंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बोल रहे हैं 2 रेजिस्टेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गेव रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ 4.8 ओम। जब दो रेजिस्टर्स थे, इक्वल नहीं दे रखा है, दो रेजिस्टर्स थे, बोले एक की वैल्यू ले लेते हैं हम x और दूसरे की वैल्यू ले लेते हैं y,
आर टू की वैल्यू ले लेते हैं वाई, कह रहे हैं जब इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया दे गिव रिजल्टेंट ऑफ 4.8 ओम। पैरेलल में कितना दे रहे हैं 4.8 ओम, और इन्हीं दोनों को जब सीरीज में कनेक्ट किया द वैल्यू बिकम्स 20 ओम। सीरीज में करने पर इन दोनों का रिजल्टेंट 20 ओम आ गया, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं इतनी इन्फॉर्मेशन से कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर, जो एक्स और वाई दो रजिस्टर्स थे, दोनों की इंडिविजुअल वैल्यूज आपको निकालनी है। चलिए कोशिश करिए अपने आप करने की, नहीं आए तो यहाँ से देखिए। देखिए सबसे पहले इन्होंने सीरीज़ का दिया है, बच्चे अगर हम एक्स और वाई को अगर हम सीरीज़ में लगा दें, ये आर वन है जो एक्स माना है हमने और ये आर टू है जो वाई माना है, बेटा सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट का, आर वन प्लस आर टू। ओके भैया, तो सीरीज़ का उसने पहले ही दे दिया 20, R1 की X थी R2 की Y। तो ऐसा क्या है, हमने एक इक्वेशन बना ली कि X प्लस Y इज इक्वल टू 20, एक इक्वेशन हमने बना ली। बेटा जैसे मैथ्स में आप सॉल्व करते हैं सामल्टेनियस इक्वेशन, अगर आपको ये दो अननोन वैल्यूज़ निकालनी है तो एक इक्वेशन और आ जाए अगर कहीं से, तो इन दोनों को सामल्टेनियसली सॉल्व करके आप X और Y की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं जी हाँ। तो अब दूसरी क्वेश्चन कहाँ से आए, जी हाँ, ये देखिए पैरेलल का भी तो दे रखा है कि अगर हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ये लीजिए एक रजिस्टर ये एक रजिस्टर ये, अगर हमने इन दोनों को पैरेलल में कर दिया, R1 जिसकी वैल्यू X है, R2 जिसकी वैल्यू Y है, तो मिला के रजिस्टेंस हो गया कितना, R इज इक्वल टू 4.8। तो आपको मालूम है पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, रजिस्टेंस पैरेलल का जो इक्विवेलेंट होता है, दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 R2 X और Y, तो दो का डायरेक्ट हम लिख रहे हैं X इंटू Y अपॉन X प्लस Y। तो सिंपली रेजिस्टेंस इन पैरेलल दे रखा है इक्विवेलेंट कितना 4.8। X Y पता नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दें और X प्लस Y की जगह क्या कर दें, जी हाँ X प्लस Y ये लिखा है डायरेक्ट 20, इसकी जगह 20 लिख दीजिए। तो X इंटू Y आपका कितना हो गया 4.8 इंटू 20, पॉइंट हटा 10 से ये कटा, तो ये हो गया 48, 2 जा 16 का 1, 4 2 जा 8, 96। बच्चे ये दूसरी इक्वेशन आ गई, सिंपली ये जो दो इक्वेशन हैं इन दोनों को आपस में सामल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से क्या करिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर चलिए y की वैल्यू निकालिए, y का हो गया यहाँ पे 96 अपॉन, या इसको ऐसा करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये इक्वेशन आपकी हो गई 2। आप क्या करिए, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू 20 माइनस x हो गया, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए, इसको 3 दे दीजिए, और 2 की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दीजिए, y एलिमिनेट करके x आ जाएगा। देखिए कैसे यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू 96 है, तो y की जगह आप लिख दीजिए 20 माइनस x इज इक्वल टू 96, 20x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 96, तो ये उधर ले जाएं तो सब प्लस में हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 20x उधर जाके माइनस हो जाएगा और 96 था ही इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, और अगर x की आ जाएगी तो यहाँ डाल देंगे तो y आ जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको, बताइए कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12x, ठीक है, इस तरीके से फैक्टर्स बना लीजिए, कितने माइनस 12x माइनस 8x प्लस 96, 12 और 8 20 और 12 8 जा 96। यहाँ से क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, तो बचा x माइनस 12, यहाँ से माइनस 8 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा x माइनस 12। तो प्यारे इस तरीके से x माइनस 12 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट x या तो 8 होगा या फिर इधर 12 होगा या फिर 12 होगा, ये दो x की वैल्यूज आ गई। तो बेटा मान लें कि इफ x अगर आपका 8 है, देन y निकालें, देन y कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू 20 माइनस x है, तो y इज इक्वल टू 20 माइनस x कर दीजिए, यानी 20 माइनस 8 कर दीजिए, यानी कितना आ गया 12। ऐसे ही इफ x इज इक्वल टू 12 है अगर, तो निकालिए y कितना आएगा, y का फॉर्मूला ये लिखा है 20 माइनस x, x की जगह डाल दीजिए आप कितना
12 डाल दीजिए, तो ये कितना हो गया 8। इसका मतलब इफ x इज 8 y इज 12, इफ x इज 12 देन y इज 8, यानी एक 8 है तो दूसरा 12 है, एक 12 है तो दूसरा 8 है, यानी दो जो रेजिस्टेंसेस थे R1 आपका x था, R2 आपका y था, तो एक आप 8 मान लीजिए, एक 8 रहा होगा और एक 12 ओम रहा होगा, यही दो वैल्यूज आपको निकालनी थी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, समझिए करिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिया कि दो रजिस्टर्स जब पैरेलल में थे तो इतना था, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, वैल्यूज़ चेंज करके आप अभी पॉज करके दूसरी वैल्यूज़ के साथ मुझे बताइए आंसर कितना आएगा, और कमेंट बॉक्स में सही आंसर टाइप करके बताइए। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, टू रजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गेव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज द वैल्यू बिकम्स 9 ओम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर, करिए करके बताइए R1 और R2 की क्या वैल्यू है, देखते हैं किस किस का आंसर सही आ पाता है। चलिए ओके, बोल रहे हैं अ रजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा हम बनाते जाते हैं। बोल रहे हैं कि अ रजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रजिस्टर ऑफ 4 ओम, ठीक है भाई। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था उसके अक्रॉस 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया गया, ठीक है भाई। जैसा बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाइए। पोटेंशियल लगाने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी या सेल लगा दिया, क्योंकि पोटेंशियल कहाँ से मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेल या बैटरी से मिलता है, तो कहीं पे लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है, अप्लाई किया गया है, यानी बैटरी लगाई गई है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, कह रहे हैं इस सर्किट से कितना करंट निकलेगा वो बताइए, और पोटेंशियल डिफरेंस बताइए अक्रॉस 6 ओम। बच्चे ऐसे सर्किट डायग्राम वाले क्वेश्चंस करने से पहले मेरी एक एडवाइस रहती है आप लोगों को कि जो सर्किट डायग्राम में वैल्यूज दे रखी हैं उन सबका नामकरण जरूर कर लीजिए। क्या नामकरण? नामकरण का मतलब ये दो रजिस्टर्स हैं तो इनका नाम दे दीजिए नत्थू और पप्पू, ठीक है। अरे भाई मतलब R1 और R2, ऐसे ही ये टोटल बैटरी है इसको नाम दे दीजिए V। अभी अगर आपसे पूछा है 6 ओम का वोल्टेज निकालिए, 6 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, तो आप कम से कम कह तो सकते हैं इसका पोटेंशियल का मतलब V निकालना है, और वो भी पहले का यानी V1 निकालना है ना, तो ये थोड़ा आसानी रहेगी। अच्छा चलिए करते हैं, सबसे पहले आप ये बताइए सर्किट में R1 R2 दे रखा है सीरीज में, तो क्या निकाल सकते हैं आप, क्या निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली सीरीज में है तो इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस जरा बताइए, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। टोटल वोल्टेज दे रखा है आपको 20, तो बेटा अब ये बताओ टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल वोल्टेज आ गया, तो टोटल I निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? हाँ, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, तो V हो गया आपका 20, I पता नहीं, R 10, क्योंकि टोटल वोल्टेज था तो रेजिस्टेंस भी टोटल रखना था, तो ये कट गया, तो I इज इक्वल टू आ गया आपका 2, और यूनिट क्या होगी एम्पियर। तो बेटा जो जो वैल्यूज आती जा रही हैं वो ना आप सर्किट डायग्राम पे लिखते जाइए 2 एम्पियर। तो बेटा ये बताइए अगर बैटरी से 2 एम्पियर करंट निकल रहा है तो सीरीज में जब रेजिस्टर्स लगे होते हैं तो सीरीज में क्या सेम होता है, दोनों का वी सेम होता है या दोनों का आई, दोनों का करंट सेम होता है या दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस? जी हाँ, सीरीज में क्या सेम होता है, करंट। मैंने आपको ट्रिक बताई थी सीरीज, याद आया कैसे, सीरीज में आई आता है यानी सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में पी आता है, पी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, फिलहाल सीरीज में आई सेम है बेटा। तो अगर बैटरी से 2 एम्पियर का निकल रहा है तो फर्स्ट वाले का करंट कितना होगा 2 एम्पियर, सेकंड वाले का करंट कितना होगा 2 एम्पियर, इट विल बी सेम। तो बहुत आसानी से आप देख लीजिए टोटल करंट तो आ गया था आपका,
अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम निकालना है, 6 ओम के पोटेंशियल का मतलब V1 निकालना है, और बेटा क्योंकि V का फॉर्मूला IR होता है और फर्स्ट वाले का निकालना है तो दोनों जगह 1-1 डाल देंगे। I1 कितना है वो क्वेश्चन से देख लीजिए, सर्किट से 2 और R है 6, कितना आ गया आपका 12 वोल्ट। ठीक है, ये दो वैल्यूज निकालनी थी, निकाल ली। अगर इसका भी पोटेंशियल निकालना होता 4 ओम वाले का तो आप V2 निकाल लेते, फिर से किस फॉर्मूले से, I2 R2, IR से सेकंड का वोल्टेज करंट है 2 और रेजिस्टेंस है 4, कितना आ गया 8 वोल्ट। अब आप एक बात देख लीजिए, हालांकि पूछा नहीं था, समझा रहा हूँ, V1 और V2 आपके पास आ गया 12 वोल्ट और 8 वोल्ट सीरीज में, 12 और 8 को ऐड करें तो कितना होता है 20, तो देखिए टोटल का 20 है, मतलब यही जो 20 वोल्ट है ये इसमें कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स। डायग्राम बनाना है सर्किट का, जैसे जैसे बोल रहे हैं एक एक लाइन के हिसाब से आप बनाते जाइए। कह रहे हैं सर्किट डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग बैटरी ऑफ 3 सेल्स, 3 सेल्स की आपने बैटरी बना ली, 1, 2, 3, ठीक है, प्लस माइनस ईच 2 वोल्ट। बेटा 2 वोल्ट है तीनों का, तो मिला के कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। अ 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर एंड 12 एंड अ प्लग All connected in series. सबसे पहले कौन सा रजिस्टर है, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, सब सीरीज में लिखा है तो हम सीरीज में बनाते जा रहे हैं, और फिर एक प्लग है वो भी सीरीज में, प्लग यहां बना दे रहा हूं सीरीज में इस तरीके से, ये प्लग है सीरीज में, अभी बीच में डॉट नहीं बनाया तो ये ऑफ है, डॉट बना देंगे यानी ये ऑन हो गया और करंट फ्लो होने लगेगा, लेट इट बी आई। बना दिया सर्किट डायग्राम, आपको फर्स्ट पार्ट के मार्क्स मिल गए। ठीक है, अगला पार्ट कह रहे हैं रीड्रॉ द अबव सर्किट पुटिंग एन एमीटर, एमीटर पुटना है, पुट करना है द करंट थ्रू द रजिस्टर, टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर, एमीटर करंट निकालता है और वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वोल्टमीटर लगाना है 12 ओम के अक्रॉस। तो बेटा यहाँ थोड़ा एक कंसेप्ट लगेगा, आपको मैंने बताया था कि एमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, पिछली वीडियो में बताया था, अभी आपको समझ में आ रहा है ऐसा क्यों, डिटेलिंग कर देता हूँ न्यूमेरिकल बाद में। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, जैसे ये रजिस्टर है इसके सीरीज में कनेक्ट करेंगे, चाहे यहाँ पर कर दीजिए एमीटर, चाहे यहाँ कर दीजिए, चाहे यहाँ कर दीजिए, चाहे यहाँ कहीं भी कर दीजिए, लेकिन सीरीज में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एमीटर करंट मेजर करता है, और करंट कब सेम होता है, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में। तो इसलिए जो इसका करंट है वही इसमें करंट आए वो तभी होगा जब एमीटर कहाँ लगा हो, सीरीज में। तो चलिए चाहे यहाँ लगा दीजिए, चाहे यहाँ कहीं भी आप लगा दीजिए, तो हम एक कन्वीनियंट जगह लगा देते हैं जहाँ देखने में अच्छा लगे थोड़ा, वैसे तो कहीं भी लगा सकते हैं, चलो मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ ये एमीटर सीरीज में। ऐसे ही वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, क्योंकि वोल्टमीटर इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा अगर हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो ऑब्वियसली इसके पैरेलल में ही वोल्टमीटर लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में ही पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो अगर हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वोल्टमीटर पैरेलल में लगाएंगे ताकि ये वही रीडिंग दे जो इसकी रीडिंग है, इसलिए वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, एमीटर इन सीरीज। चलिए, अच्छा कुछ बच्चे दिमाग में आ रहा था कि सर ये एमीटर यहाँ लगा देंगे तो करंट जो यहाँ से निकल रहा है इस एमीटर में हमें पता चल जाएगा बैटरी से कितना करंट है, लेकिन सर अगर हम यहाँ लगाएंगे एमीटर, आपने कहा तो कहीं भी लगा दो, लेकिन अगर एमीटर यहाँ लगा दिया तो सर जो यहाँ से करंट निकल रहा है सर वो यहाँ रेजिस्टेंस रुकावट की वजह से फिर रुकावट आई, तो इतनी सारी रुकावटों के बाद करंट कम नहीं हो जाएगा सर? सर फिर यहाँ तो कम रीडिंग पता चलेगी ना हमें? जी नो,
मेरे प्यारे बच्चे, सीरीज में कहीं भी लगा दो, हर जगह करंट सेम होता है। अगर आप ऐसे सोचो कि चलते चलते करंट कम हो जाएगा तो यहाँ रीडिंग कम होगी, फिर तो आप ये भी कहोगे कि सर इसका करंट अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, सर यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ ज़्यादा करंट होगा, यहाँ पहुँचते पहुँचते करंट मर जाएगा, आधे लोग मर जाएंगे और कम करंट हो जाएगा, और आधे लोग मर चुके होंगे और कम करंट हो जाएगा, तो सर करंट तो फिर आगे जाते जाते कम होता जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता ना, सीरीज़ में हर जगह करंट सेम रहता है। रीज़न मैंने वहाँ बताया था, एक बार फिर से बता दूँ मैं आपको, करंट की डेफिनेशन होती है चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर यहाँ से 10 चार्जेस निकल रहे हैं तो वही 10 चार्जेस यहाँ जाएंगे, वही 10 चार्जेस यहाँ, वही 10 चार्जेस यहाँ, वही 10 चार्जेस पास होते जाएंगे, जिसकी वजह से चार्ज सेम होने की वजह से, चार्ज पर यूनिट टाइम सेम होने की वजह से करंट भी हर जगह सेम होगा। तो कहीं भी लगाइए एमीटर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो मैं बाद में ही लगा रहा हूँ एमीटर, ठीक है। चलिए, तो कह रहे हैं व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर की रीडिंग का मतलब करंट निकालना है, और वोल्टमीटर की रीडिंग का मतलब वोल्टेज, वो भी किसका, इस वाले का निकालना है। तो आपको नामकरण करना पड़ेगा R1, R2, R3, क्योंकि इसका पोटेंशियल निकालना है, तो यानी V3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले सीरीज़ में दिख रहा है, तो भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, सीरीज़ में ऐड कर दीजिए, 5+8+12 इज इक्वल टू 25 ओम। टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है, 8 वोल्ट। लो, फिर I है, R है, तो V इज इक्वल टू IR लगा दो ना, तो 8 इज इक्वल टू I इंटू 25, इससे आप I निकाल लीजिए, 8/25, ठीक है प्यारे, इसे पॉइंट्स में निकाल लेंगे, जितना भी आएगा वो एम्पियर में करंट हो गया। अब जब इसका करंट आपको पता चल गया 8/25, तो बेटा यही करंट इसमें होगा, यही इसमें होगा, यही इसमें होगा। तो फिर से जितनी चीज़ आपको मालूम पड़ती जा रही है वो सर्किट डायग्राम में ज़रूर मेंशन करिए। अगर आई आपको पता चल गया इतने एम्पियर, तो यहाँ लिख लीजिए कि I1 इज इक्वल टू 8/25 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 8/25 एम्पियर, I3 इज इक्वल टू 8/25 एम्पियर। अब चूंकि आपको V3 निकालना था, तो देखिए ये लिखते ही कितनी जल्दी समझ में आ गया कि सर V3 का फॉर्मूला लगा दीजिए। V का क्या फॉर्मूला होता है, जी हाँ, IR। तो V इज इक्वल टू IR लगा दीजिए सर, 3 वाले का लगाना है, निकालना है, तो 3 लिख दीजिए। I3 आपका आ चुका है 8/25, और R3 आपका कितना है 12 ओम। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकालेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगी व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। जो इसका वोल्टेज होगा वही वोल्ट मीटर में रीडिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से एमीटर की रीडिंग और वोल्ट मीटर की रीडिंग हमने निकाल ली। एमीटर की रीडिंग मतलब आई जो ये निकला, और वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब V3। कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे। बच्चे एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए, जो आप सोच रहे होंगे इतनी देर से, जी हाँ, पता नहीं कितने लोगों ने पॉइंट किया या नहीं किया, बट आई वॉन्ट टू सी कि कितने लोग ये पॉइंट कर पाए कि बेटा यहाँ पे 3 सेल्स दे रखे थे, 3 सेल्स का पोटेंशियल, जिसमें हर सेल का पोटेंशियल 2 वोल्ट था, तो बेटा 3 सेल अगर हम लगाएंगे, 3 सेल लगाएंगे अगर हम, तो यहाँ पे पोटेंशियल 8 वोल्ट नहीं, कितना होगा 3 सेल का, हमने 8 के हिसाब से कर दिया, ये देखो पोटेंशियल 8 के हिसाब से कर दिया, 8 टोटल 8 नहीं होगा, कितना होगा 2 2 2 6। तो बेटा ये 6 के हिसाब से होगा, लेकिन चलिए अब आप लोग 8 के हिसाब से कर चुके हैं, तो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन में 3 सेल्स की जगह मान लीजिए कितने सेल्स हैं, 4 सेल्स, तो 4 सेल्स का 8 होगा, उसके हिसाब से आप कर देंगे, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन बच्चे, ये क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, डायग्राम बना हुआ है, जल्दी से पॉज करिए और क्वेश्चन अपने आप समझ के सर्किट डायग्राम से अपने आप करिए। 2 मिनट के बाद वापस आइए, नहीं सॉल्व हो तो मेरे आंसर पे देखिए और मैच करिए आपका सही आ रहा है या नहीं। ओके, उम्मीद है आप काफ़ी सारे बच्चों का हो गया होगा, नहीं हुआ है तो देखिए और मैच करिए, हो गया है तो। इसमें बोल रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, प्यारे बच्चे साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं, तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 8 और 12 का इक्विवेलेंट क्या होगा, 8 × 12/8+12, कहने का मतलब 8 × 12/20, जो कितना हो गया 2 10s, 2 4s, 4 8s, 8 4s, 2 10s, 2 6s, 8 6s, 48।
ठीक है प्यारे ओम, ये क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला है इन दोनों का, तो क्या इसे R से डिनोट करोगे? जी नहीं, R से पूरे सर्किट का एक रेजिस्टेंस डिनोट होता है, क्योंकि ये सिर्फ इन दोनों का मिला के है, तो या तो इसे R डैश से कर दो, या फिर 2 और 3 का मिला के है तो 2-3 से डिनोट कर दो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। आप फिर से एक डायग्राम बनाइए जिसमें इधर वाला तो 7.2 ओम ही है, जबकि इधर वाला मिला के आ गया कितना, R23 आपका आ चुका है 48 ओम। 48 अपॉन 10 था भैया, अपॉन 10 कौन करेगा, कितना हो गया 4.8 ओम। चलिए, और ये था आपका R1, नीचे थी बैटरी 6 वोल्ट की लगी हुई, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए साफ साफ ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में दोनों को ऐड कर दीजिए, 7.2 प्लस 4.8, ये आपका आ गया कितना 12 ओम, ठीक है भैया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थर्ड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट। टोटल करंट, बेटा I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, क्योंकि टोटल का करंट निकालना है, तो वोल्टेज भी टोटल रखोगे, R भी टोटल रखोगे, तो ये बताओ जरा बच्चे कि टोटल वोल्टेज कितना है, यस 12 ओम, और टोटल वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 12, तो 6 अपॉन 12 आपका हो गया 0.5 यूनिट एम्पियर। अभी मैंने आपको बताया जो जो चीज़ निकलती आती जाए उसको सर्किट डायग्राम पे ज़रूर लिखिए, जिससे देखिए कितना फ़ायदा होगा। टोटल करंट आ गया बैटरी का ये, तो बेटा बताओ फर्स्ट वाले में कितना करंट होगा, जी हाँ सीरीज़ में सेम होता है, तो इसका भी 0.5 और I23 भी 0.5 एम्पियर, ठीक है। अब तीसरे पार्ट पे आइए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, यानी बताओ सिंबल की टर्म्स में इसका पोटेंशियल का मतलब V और फर्स्ट वाले का यानी V1, सिंपल फॉर्मूला क्या, I1 R1, I1 साफ साफ देख रहा है इसमें दे रखा है 0.5 और R1 7.2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और निकाल लीजिए, यूनिट क्या होगी पोटेंशियल की, जी हाँ वोल्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल V भी लिख सकते हैं। तो करिए, समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। ओके, अगले क्वेश्चन है, टू रेजिस्टर्स ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चलिए भाई पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं, टू रेजिस्टर्स ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम, 4 ओम और 6 ओम वाले, ये 4 ओम और ये 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 6 वोल्ट बैटरी, यानी ये इधर से और ये इधर से, ऐसे 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का मतलब बैटरी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही यहाँ पे प्रेजेंट है, वही मानना है हमें। ड्रॉ सर्किट डायग्राम, बन गया, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो सिंपल, टोटल रेजिस्टेंस आप निकाल लीजिए, पैरेलल में है दोनों, नामकरण जरूर कर दीजिए टोटल वोल्टेज को V से, पहले रेजिस्टेंस को R1 से, दूसरे रेजिस्टेंस को R2 से, तो 4 और 6 का पैरेलल में कितना हो जाएगा, सिंपली 4 × 6 upon 4 + 6, यानी 4 × 6 कितना होता है 24 upon 10, कितना हो गया 2.4 ओम। ओके, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, करंट थ्रू द सर्किट, ये भैया आप अपने आप करोगे, I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, V अपॉन R, टोटल करंट निकालना है तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस अपने आप निकालिए और डालिए। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कह रहे करंट थ्रू ईच रजिस्टर। बच्चे मैंने आपसे कहा सर्किट डायग्राम देख के अगर कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि क्या हैं तो आप लिख लीजिए डायग्राम में, जैसे पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो अगर ये 6 वोल्ट है तो इसका भी 6 वोल्ट होगा, इसका भी 6 वोल्ट होगा, तो इसे लिख लीजिए V1, इसे लिख लीजिए V2। अब साफ साफ दिख रहा है अगर वो करंट थ्रू ईच रजिस्टर पूछ रहे हैं, यानी I1 और I2 पूछ रहे हैं, तो सिंपली आप निकाल लीजिए R और V से, क्या I निकाल सकते हैं, जी हाँ, I का फॉर्मूला क्या होता है V अपॉन R, यहाँ पे फर्स्ट का निकालना है तो फर्स्ट लिख दीजिए, सेकंड का निकालना है तो सेकंड लिख दीजिए, जैसे फर्स्ट के लिए V है आपका 6, R है आपका 4, इस तरीके से 2, 3, ये आपका आ गया कितना 1.5 एम्पियर, ऐसे ही आप सेकंड वाला निकाल लीजिए और आप ये देखेंगे कि I1 और I2 को अगर ऐड करेंगे तो टोटल करंट के बराबर आएगा, क्योंकि यहां से जो टोटल करंट निकलता है वही कुछ ऊपर और कुछ नीचे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। चलिए करिए, अपने आप निकालिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम. बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, कुछ नए कंसेप्ट यहाँ आने वाले हैं. समझिए आप बच्चे, ये तो असाइनमेंट, ये जो क्वेश्चंस हैं ये तो मैं करा ही रहा हूँ, ये आप लोग अच्छे से समझ के करिए बेटा. जो आखिरी तक ये मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, फुल कंसंट्रेशन के साथ ईमानदारी से साथ साथ में करते जाइए. इसके बाद अगर ये आप सारे कर चुके होंगे, उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी गुरुकुल क्लासेस की ऐप से, जिसका लिंक नीचे दे रखा है. प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके वो पूरी अटेम्प्ट करेंगे. लेकिन अगर ये आपने आखिरी तक अच्छे से समझ लिया तो 10th क्लास का कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का आ जाए, चुटकियों में आप ऐसे सॉल्व कर देंगे. इसलिए ध्यान से आखिरी तक समझते जाइए, करते जाइए. व्हाट इज़ द करेंट थ्रू, कह रहे हैं इस तरीके से डायग्राम है, कह रहे हैं थ्रू रजिस्टर ऑफ 5 ओम अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज. ये 5 ओम का रजिस्टर है, इससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट. ठीक है, कह रहे हैं करंट थ्रू अदर टू रजिस्टर्स निकालिए. नया कंसेप्ट आ रहा है बच्चे, ये जो करंट 1 एम्पियर का यहाँ जाएगा बेटा, ये करंट डिवाइड हो जाएगा, दो रास्ते हो गए, कुछ ऊपर चला जाएगा और कुछ नीचे चला जाएगा. मान लें कि ऊपर x एम्पियर का करंट जाता है, तो 1 में से अगर x ऊपर चला गया तो नीचे कितना जाएगा? जी हाँ, 1 माइनस x. 1 में से x ऊपर गया तो बचा हुआ नीचे जाएगा. तो नामकरण जरूर कर लीजिए इस वाले करंट, पहला रजिस्टर है R1, दूसरे को R2, तीसरे को R3. पहले करंट को I1, दूसरे को I2, तीसरे को I3. देखिए इससे बहुत आसान हो जाता है, अभी आप खुद समझेंगे ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिला. कह रहे हैं व्हाट इज़ द करंट थ्रू अदर टू रजिस्टर्स, ये करंट निकालना है. अभी ऐसे नहीं निकाल सकते, लेकिन आप ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल में हैं. और बेटा बताइए पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है? पैरेलल में, जी हाँ, पैरेलल में पी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. तो आप ऐसा करिए, 2 का और 3 का पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दीजिए. वी का फॉर्मूला होता है IR. क्या? IR. यहाँ पे 2-2 लिख दीजिए, यहाँ 3-3 लिख दीजिए. I2 कितना है? देखिए आपको ये दे रखा था I और R, तो आपने कह दिया इससे V, इसका V, दोनों हम इक्वल रख देते हैं. ये X इंटू 10 इज इक्वल टू I3 आपका 1 माइनस x इंटू 15. देखिए इस इक्वेशन से आप x निकाल लेंगे, 10x इज इक्वल टू 15 माइनस 15x, ये इधर आया, 25x इज इक्वल टू 15, यानी x इज इक्वल टू 15 बाई 25, 5 3 5 5 3/5 इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर. x अगर आपका आ गया, यानी आपके पास I1 आ गया, I1 था x जो कि था 0.6 एम्पियर, तो बेटा सिंपली बता दो I2 कितना होगा? 1 माइनस x, यानी 0.4 एम्पियर करंट थ्रू. अच्छा बेटा I1 नहीं है, I1 ही है, ठीक है चलिए, दोनों आ गए I1 I2. व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB? ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है. इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछने का मतलब क्या पूछ रहे हैं? कौन सा पोटेंशियल, V1, V2 या V3? साफ साफ इन दोनों के बीच R1 आ रहा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब V1. सिंपल फॉर्मूला, I1, R1, I1 है, R1 है, निकाल लीजिए. ठीक है चलिए, अभी पूछ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC. बच्चे A ये है और C ये है. अगर यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो पूरे यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो फिर से IR होता है. पूरे यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पूरा यहाँ से यहाँ का करंट और पूरे यहाँ से यहाँ का रेजिस्टेंस. पूरे यहाँ से यहाँ का करंट देखें अगर हम, तो वो तो 1 एम्पियर ही है, वही 1 एम्पियर यहाँ जा रहा है, वही यहाँ से डिवाइड होके वापस 1 बन गया. लेकिन रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो पूरे यहाँ से यहाँ का रेजिस्टेंस डाल दीजिए. उसके लिए पहले इन दोनों को पैरेलल में निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा. सिंपल साइड में निकाल रहा हूँ, 10 और 15 का हो जाएगा, 10 × 15/10+15, ये हो गया 5 2s, 5 5s, 5 1s, 5 3s, 3 2s, 6. ये 6 हो गया, ये 5 है, 6 और 5 मिलके हो जाते हैं आपके 11. तो इस तरीके से आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया अक्रॉस AC. ये आया था अक्रॉस AB. ठीक है आगे, व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस, अभी आपने निकाल ही लिया, इसका आपका आया कितना, 6 ओम और
इसका था 5, 6 और 5 मिलके 11 ओम। तो ध्यान से समझ लिया है, एक बार अपने आप करिए और आंसर निकालिए। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। बच्चे फाइंड द फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर। बच्चे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वही बात, नामकरण जरूर करिए। नामकरण भैया, बच्चे नामकरण, बिना नामकरण के काम नहीं चलेगा। अगर सोचो आपका आज तक नाम ही ना रखा जाए तो आपकी क्या हालत होती, इसलिए नामकरण करना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। R1, R2, R3, R4, ठीक है, कह रहे हैं इस वाले का, अरे ये इसका नाम तो लिख दीजिए। अभी बोल रहे हैं कि इसके थ्रू करंट निकालिए, तो पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए सर्किट को। ये 6 और 3 सीरीज में हैं तो इनका मिला के रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका कितना, 6 और 3 का 9 ओम। लेट इट बी आर डैश, ऐसी 12 और 3 सीरीज में इसका मिला के हो जाएगा कितना, 15 ओम। लेट इट बी आर डबल डैश, और ऊपर कितना है, 4 वोल्ट। इसका नाम तो लिखा हुआ ही है, वही नाम है 4 वोल्ट। अभी फिर से इसको और सॉल्व कर लीजिए, 9 और 15 पैरेलल में है, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 9 इंटू 15 अपॉन 9 प्लस 15, डायरेक्ट लिख दिया 24, 3 3 ज़ा 3 8 ज़ा 15 3 ज़ा 45 अपॉन 8 ओम। बोले सर क्यों कर रहे हैं, हमें तो करंट निकालना था इसका, ये क्यों करते जा रहे हैं। तो बेटा जितना पहले आपको सर्किट डायग्राम से जो निकाल सकते हैं वो आप निकाल लीजिए, उसका यूज़ कहीं ना कहीं आगे अपने आप आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास आ गया 45/8, इस तरीके से आ गया। तो आप ये देखिए कि टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास, टोटल वोल्टेज दे रखा है, तो टोटल आई निकाल सकते हैं, टोटल वी अपॉन आर, टोटल वी है 4, टोटल आर है 45/8। ये 8 ऊपर जाएगा, 8 फोर जा 32 अपॉन 45, ये करंट आ गया। क्या इसकी ज़रूरत है या नहीं है, लेट से। कह रहे करंट थ्रू द 6 ओम, 6 ओम में निकालने के लिए टोटल करंट की ज़रूरत तो नहीं थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, इसके लिए भी शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े, फिर भी हमने निकाल के रख लिया। देखते हैं, इससे तो कोई काम नहीं बना, इससे शायद कोई काम बन जाए। देखिए ये दोनों पैरेलल में हैं, तो बेटा पैरेलल में क्या सेम होता है, जी हाँ V। अगर इसका V आपका 4 है तो V डैश भी 4 होगा, और V डबल डैश भी, इसका पोटेंशियल भी 4 वोल्ट होगा। बेटा V और R आ गया, तो देखो लिखते ही समझ में आ रहा है कि V और R से सर हम इसका क्या निकाल सकते हैं, I डैश इसका करंट निकाल सकते हैं। यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, V है 4 और R है 9, तो 4 अपॉन 9 एम्पियर। ऐसे ही इसका करंट अगर आपसे कहा जाए कितना होगा, तो I डबल डैश हो गया V अपॉन R, यानी 4 अपॉन 15 एम्पियर। जो दो चीज़ें आ गई उसको यहाँ मेंशन कर दीजिए, 4 अपॉन 9 एम्पियर और ये 4 अपॉन 15 एम्पियर। बोले सर इससे क्या हुआ, आप ये देखिए जो रजिस्टर करंट आया है 4/9 एम्पियर, ये इन दोनों का मिला के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 था, इस 9 के अक्रॉस इस वाली ब्रांच में अगर 4/9 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है बेटा इसका भी करंट कितना होगा, 4/9 एम्पियर, और इसका भी करंट कितना होगा, 4/9 एम्पियर। क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, अगर मिला के 4/9 है तो इंडिविजुअल का भी 4/9 4/9। ऐसे ही अब डायरेक्ट बता दीजिए इन दोनों का करंट कितना हो जाएगा, I3, इन दोनों का मिला के जो रेजिस्टेंस था उसका करंट 4/15 था, तो इसका करंट भी 4/15 और इसका करंट भी 4/15 एम्पियर। तो बेटा ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, करंट थ्रू 6 ओम आपने निकाल लिया। फिर कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, 12 ओम वाले का पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए लिखते ही समझ में आ रहा है। बोले सर अरे इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी V3 क्या फॉर्मूला होगा, जी हाँ, क्या, I3 R3 मल्टीप्लाई करिए, I3 4 अपॉन 15 और R है 12, मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, मज़े आ रहे होंगे, कॉपी में करते जाइए, कॉपी में जो लिख रहा है उसी को मज़े आएंगे। मूवी नहीं चल रही है कि मूवी टिकट लिया देखने गए और आ गए बिना नोट्स बनाए, पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई के साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम, इसका करंट दे रखा है 5 ओम वाले का, ये तीनों पैरेलल में है, इसका करंट कितना 1 एम्पियर। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू अदर, इन दोनों का करंट निकालना है, यानी क्या निकालना है इसका और इसका, नामकरण। ये ऐसा करो, ये R1 हो गया, इसका करंट दे रखा है यानी I1 दे रखा है 1 एम्पियर, R1 5 ओम, R2 4 ओम, R3 10 ओम, कह रहे हैं इसका करंट निकालो अदर टूज का, यानी I2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, I3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बैटरी का पोटेंशियल नहीं दे रखा। अब बेटा देखने से ही समझ में आ रहा है, अरे सर R1 I1 IR से क्या निकाल सकते हैं? जी हाँ, V, V निकाल लीजिए, किसका V, V1 का, I1 R1, I1 है आपका 1, R1 है 5, ये आ गया 5 वोल्ट। और बेटा अगर यहाँ मेंशन कर दो V1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट, बेटा अगर इसका 5 वोल्ट पोटेंशियल है तो फिर क्या पैरेलल में क्या, जी हाँ पोटेंशियल सेम, V2 भी 5 वोल्ट हो जाएगा, V3 भी 5 वोल्ट हो जाएगा और बैटरी का भी कितना रहा होगा 5 वोल्ट। तो बेटा अब बहुत आसान हो गया, ये देखिए इस वाले रेजिस्टर का V है R है I निकाल लो, इस वाले रेजिस्टर का V है R है I निकाल लो, I का फॉर्मूला V अपॉन R, I का फॉर्मूला V अपॉन R, I2 I3 V3 V2 R2 V3 R3 करके निकाल लीजिए। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ओके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बेहतरीन। रेजिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 176 ओम, एक रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस है कितना 176 ओम, हाउ मेनी ऑफ दीज रेजिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, कितने पैरेलल में लगाएं, कितने पैरेलल में लगाएं, पता नहीं कितने पैरेलल में लगाएं, कितने मान लें 176 176 से मान लें एन रजिस्टर्स कितने पैरेलल में लगाएं कि इसका जो कॉम्बिनेशन आए इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, इसका कॉम्बिनेशन यानी इसका मिला के जो भी रेजिस्टेंस आए वो कितना करंट ड्रॉ करे 5 एम्पियर, वो भी कहाँ से, फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई, फ्रॉम अ 220 वोल्ट, 220 वोल्ट क्या चीज़ हो गई, पोटेंशियल, जिसे V से डिनोट करते हैं। तो बेटा साफ साफ देखने से पता चल रहा है क्या करना है, वो छोड़ो पहले I और V से क्या निकाल सकते हैं, टोटल का I, टोटल का V, तो टोटल का R निकाल सकते हो, R इज इक्वल टू V अपॉन I, टोटल V कितना है 220, टोटल I कितना है 5, 5 फोरजा फोरजा आपका आ गया 44 ओम, आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया इसका, टोटल रेजिस्टेंस। बच्चे ये मान लें ये R डैश है, ये सब R डैश है, 176 176 176 R डैश R डैश R डैश, अगर हम दो पैरेलल में लगाते तो दो पैरेलल में हो जाता 176 अपॉन 2, तीन पैरेलल में लगाते तो 176 अपॉन 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 10 पैरेलल में लगा देते 176 176 176 तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता 176 अपॉन 10, लेकिन हमने कितने पैरेलल में लगाने हैं n, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 176 अपॉन n, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो पहले आ गया 44, लो यहाँ 44 डाल दो, यहाँ से n निकाल लो, n इज इक्वल टू 176 अपॉन 44, काट पीट कितना 4, n इज इक्वल टू 4, इसका मतलब चार रेजिस्टर्स हम पैरेलल में लगाएंगे तो ये रीडिंग आएगी करंट की। समझ पा रहे हैं जी? बहुत बढ़िया। नहीं समझ पा रहे हैं अगर कोई भी क्वेश्चन तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करके, अगर नहीं समझ में आ रहा है। बहुत एक और आगे लेवल का क्वेश्चन आ गया है, पढ़ लीजिए पहले, अपने आप समझ लीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मैं तो पढ़ ही जा रहा हूँ बार बार, एक आप पढ़िए समझिए ज़रा। ठीक है, बोल रहे हैं टू रेजिस्टर्स दे रखे, इज द करंट इन द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर, इसका करंट पूछ रहे हैं। बच्चे सबसे पहले क्या काम करना है, जी हाँ नामकरण। ये दो रेजिस्टर हैं, इसको R1 इसको R2, जिसका दे रखा है ये R,
ये वोल्टेज दे रखे हैं, ये V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ठीक है, ये टोटल वोल्टेज दे रखा है। कह रहे हैं 5 ओम वाले का आई निकालिए, करंट निकालिए। देखिए कितना सिंपल, लिखते ही पता चल गई कि इसके करंट का मतलब I1 निकालना है, और I1 का क्या फॉर्मूला होगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R, V है आपका 10, R है 5, आंसर हो गया 2 और यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। तो बेटा यहाँ पे आप लिख देंगे I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब बताइए यहाँ I1 2 एम्पियर लिखते ही क्या दिमाग में बात आई, जी हाँ बोले सर सीरीज़ में, सर सीरीज़ में करंट सेम होता है, तो बेचारे यहाँ पे भी I2 की जगह भी 2 एम्पियर लिख दो। अब यहाँ लिखते ही फिर दिमाग में आया, सर V R I, सर हम फार्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू IR, सेकंड वाले का है तो 2 2 2, तो V2 है आपका 6, I2 है 2 और R2 है कितना R, तो लो इससे R निकल आया 3 ओम। देखा डायग्राम पे लिखने से क्या फ़ायदा होता है, दिखने लगता है कि हम यहाँ क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अब क्या स्टेप करेंगे, तो लो R आपका आ गया 3 ओम। फिर कह रहे हैं V की वैल्यू निकालिए, V की, तो बेटा आपको मालूम है सीरीज़ में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, जो टोटल वोल्टेज है कुछ इसमें जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2, V1 आपका आ गया है 10 और V2 है आपका 6, तो टोटल पोटेंशियल हो गया कितना 16 वोल्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो चुटकियों में आप सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं एक और अगले लेवल का क्वेश्चन, देखिए बोल रहे हैं कि इन द डायग्राम गिवन बिलो ABC आर 3 एमीटर्स, 3 एमीटर हैं ये एमीटर्स, द एमीटर बी रीड 0.5 एम्पियर, इसकी रीडिंग 0.5 है। तो बेटा मान लें ये फर्स्ट एमीटर है, इसकी रीडिंग I1 से डिनोट कर देते हैं, इसकी रीडिंग I2 से और इसकी I3 से इसकी रीडिंग दे रखी है B की कितनी 0.5 एम्पियर, ठीक है। द रीडिंग ऑफ एमीटर्स A एंड C, A और C की रीडिंग निकालनी है, इसकी कितनी होगी। नामकरण संस्कार शुरू करिए, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और ये R3। तो बेटा इस वाली ब्रांच का क्योंकि करंट दे रखा है, R दे रखा है, तो क्या लग रहा है क्या निकाल सकते हैं IR से, जी हाँ क्या V, कौन सा 2, V का फॉर्मूला IR, 2 निकालना है तो 2 2, बताइए ज़रा I2 कितना है 0.5, R2 कितना है 6, कितना हो गया 3, यूनिट क्या होती है पोटेंशियल की वोल्ट। यहाँ हम लिख देते हैं B जो है यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल आ गया आपका 3 वोल्ट। बेटा इसका पोटेंशियल लिखते ही फिर क्या कुछ बात दिमाग में आई, जी हाँ ये दोनों पैरेलल में है, तो अगर इसका पोटेंशियल 3 है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा 3, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे V3 से। ये लिखते ही बिल्कुल सामने पिक्चर क्लियर हो गई, बोले सर I3 कैसे निकालेंगे, I का फॉर्मूला होता है क्या I इज इक्वल टू V अपॉन R, 3 निकालना है तो V3 अपॉन I3, लो V आ गया आपका 3 और ये भी है 3, 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, इसका मतलब C वाले एमीटर की रीडिंग आपके पास आ गई कितनी 1 एम्पियर। चलिए बेटा अब बात आई A वाले की रीडिंग कैसे निकालें, तो बेटा आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ जो करंट जा रहा था बेटा यही करंट तो कुछ ऊपर और कुछ नीचे डिवाइड हुआ, ऊपर 0.5 चला गया नीचे 1 चला गया, तो बेटा टोटल यहाँ कितना आ रहा होगा I1, 0.5 ऊपर 1 नीचे, तो टोटल करंट रहा होगा यहाँ पे 1.5 एम्पियर, ये क्या हो गया I1 यानी A वाले एमीटर की रीडिंग। तो वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा एमीटर A रीड्स इतना, एमीटर B रीड्स इतना, एमीटर C रीड्स इतना, जो भी पूछा है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बेटा ये सिंपल है, ये दोनों आप साफ साफ दे रखे हैं पैरेलल में हैं, इन दोनों को पैरेलल में निकालिए, पैरेलल में जो 2 आ जाएगा ऊपर तो है सेल के साथ लगा है 2 ओम और नीचे आपका आ गया
बताइए 603 का मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2 ओम आ जाएगा। अब बताइए 2 ओम और 2 ओम कैसे हैं? नहीं बच्चे पैरेलल में मत बोल देना प्यारे, ये दोनों पैरेलल में नहीं हैं। आप ये देखिए कि ये बैटरी का ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ठीक है, ओके, ये सी टर्मिनल है। ये वाला रेजिस्टर ए और सी के बीच कनेक्टेड है, जबकि ये वाला बी और सी के बीच कनेक्टेड है। सेम दो पॉइंट्स के बीच अगर कनेक्टेड नहीं है तो वो पैरेलल नहीं है। जैसे ये वाला ए और सी के बीच कनेक्टेड है, अगर ये वाला भी ए और सी के बीच होता तो पैरेलल होता, ये सीरीज में है। जैसे देखिए ये गया, ये गया, ये यहाँ से करंट आया, ये आया, ये आया, करंट यहाँ से निकला, ये फिर इसी के बाद दूसरा है, एक ही लाइन में एक के बाद एक है, तो ये सीरीज में, और सीरीज में रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम। और फिर कह रहे हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। बच्चे ईएमएफ क्या चीज़ होती है, इसका एक अलग से पूरा टॉपिक है जो मैं आपको समझाऊंगा, जिसका बाद में लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। फिलहाल अभी सिंपली समझिए ईएमएफ ऑफ द सेल का मतलब सेल का वोल्टेज पूछ रहे हैं कितना होता है, कितना होगा। तो बेटा टोटल वोल्टेज पूछा जा रहा है अगर, तो टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला टोटल आई इंटू टोटल आर, टोटल आर आपके पास 4 आ गया है, और टोटल करंट कितना होगा सर्किट में, I1, I2, I3 या इन तीनों का एडिशन। जी टोटल करंट होगा यहाँ पे I1। बेटा जो I1 है यही तो बैटरी से निकला होगा, यही तो यहाँ गया, यही डिवाइड हो गया, तो टोटल करंट निकलने वाला बैटरी से वो तो I1 ही है, जो कितना आया है 1.5। तो ये आपका आ गया 6, और यूनिट क्या होगी वोल्ट। ये तीन पार्ट्स इस तरीके से सॉल्व होंगे। जल्दी से बच्चे आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बोल रहे हैं क्या, इन द डायग्राम शोन बिलो द सेल एंड द एमीटर बोथ हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। सेल और एमीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ ये तीन रेजिस्टर्स हैं जो कि आइडेंटिकल हैं। तो ऐसा करते हैं ये आइडेंटिकल है, इसका रेजिस्टेंस 1 वाले का 2, नामकरण तो करना पड़ेगा, 1 वाले का एक्स मान लें तो 2 वाले का भी एक्स और 3 वाले का भी एक्स। यहाँ एक की लगी है जो अभी ओपन है, यानी इस वाले से करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि यहाँ सर्किट टूटा हुआ है। कह रहे हैं विद स्विच के ओपन, ओपन है तो नीचे करंट फ्लो नहीं करेगा, तो एमीटर रीड्स 0.6 एम्पियर। तो बेटा जब नीचे वाले में करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है तो नीचे वाले रेजिस्टर का कोई यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसको क्या कर दें, हटा ही दें, और हटा के फिर एक डायग्राम बनाएं इस तरीके से, ये एमीटर, ये रेजिस्टर, R1 is equal to X, R2 is equal to X, R3 को हमने हटा दिया, और एमीटर रीडिंग कितनी दे रखी है 0.6 एम्पियर, ठीक है। तो कह रहे हैं व्हाट विल बी द एमीटर रीडिंग व्हेन द स्विच इज क्लोज, स्विच को ऑन कर देंगे तो इस वाले रजिस्टर से भी करंट फ्लो करने लगेगा, यहाँ से करंट निकलेगा, इस ब्रांच में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और इसमें भी जाएगा अगर ऑन है, ऑफ है तो नीचे नहीं जाए। कह रहे हैं ऑन कर दें तो क्या रीडिंग होगी, तो चलो पहले इससे कुछ हम करते हैं। टोटल करंट दे रखा है तो ऐसा करिए टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, और टोटल बैटरी का वोल्टेज मान लीजिए वी, हमने एज्यूम किया है क्वेश्चन में गिवन नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स और एक्स पैरेलल में XY2, ठीक है। आप चाहें फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/X प्लस 1/X, ये हो गया 2/X, तो R कितना हो गया XY2, ठीक है। फिलामेंट डायरेक्टली रेजिस्टेंस XY2, करंट 0.6 और वोल्टेज V, तो बेटा V का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं V इज इक्वल टू IR, I कितना है 0.6, R कितना है X/2, तो ये आ गया 0.3X। इससे आपका ये निकल आया कि जो बैटरी है उसका कितना पोटेंशियल रहा होगा X के टर्म्स में, यहाँ रहा होगा 0.3X। तो बेटा यहाँ कितना पोटेंशियल रहा होगा बैटरी का, बेटा ऑब्वियसली बैटरी वही है, सिर्फ स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं तो बैटरी का पोटेंशियल तो वही होगा ना 0.3X, बैटरी तो उतना ही वोल्टेज की होगी, वही सेल है वही पोटेंशियल होगा बैटरी का, लेकिन पहले वो 2 में दे रही थी अब 3 में पोटेंशियल देगी। तो आप ये देखिए अब अगर करंट की रीडिंग बतानी है, एमीटर की रीडिंग यानी करंट बताना है, तो वही काम करते हैं, टोटल का रेजिस्टेंस एक्स 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 का पैरेलल में कितना हो जाएगा X/3,
करंट हमें बताना है और V कितना आ चुका है 0.3x। तो फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या V इज इक्वल टू आई आर, V है आपका 0.3x, I निकालना है और R है x बाई 3, x से x कट गया, 3 इधर आ गया, I आपका हो गया 0.9 ओम, जी नहीं, करंट निकाल रहे हैं तो एम्पियर। इस तरीके से एमीटर की नई रीडिंग निकाल ली स्विच ऑन करने पर क्या होगी। ठीक है बच्चे, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, समझ में आया है बताइए मुझे। फिलहाल इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस की, जो असाइनमेंट मैंने आपको दी है नीचे दिए गए ऐप स्टोर के लिंक पे जाके आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और कोशिश रहेगी कि आगे आपको और कोई क्वेश्चंस की, अच्छे क्वेश्चंस की मैं और आपको एक लेसन दूं। अगर इसके आगे बनता है तो नीचे उसका लिंक आपको मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।